हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी क्लास थर्ड वर्कशीट नंबर ट्वेंटी वन इन इंग्लिश इन इंग्लिश वी विल स्टडी ग्रामर सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर वन राइट करेक्ट एक्शन वर्ड्स विद द पिक्चर्स चित्रों के साथ सही एक्शन वर्ड लिखिए एक्शन वर्ड्स आर डूइंग वर्ड्स एक्शन वर्ड कौन से होते हैं बच्चों डूइंग वर्ड्स को हम एक्शन वर्ड कहते हैं जिनसे हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है अब देखते हैं बच्चों फर्स्ट पिक्चर इज फ्लाई फ्लाई मीन्स उड़ना नेक्स्ट इज ग्रेज ग्रेज का मीनिंग होता है चरना नेक्स्ट इज इन दिस पिक्चर क्राई क्राई मीन्स होता है रोना बच्चा रो रहा है नेक्स्ट है बच्चों प्लक प्लक मीन्स होता है फूल तोड़ना नेक्स्ट पेंट पेंट मीन्स होता है कलर करना यहाँ पर गर्ल पेंट कर रही है नेक्स्ट इज ड्रिंक ड्रिंक मीन्स होता है पीना जैसे कि बच्चा पी रहा है नेक्स्ट है ब्रश ब्रश मींस होता है ब्रश करना दांत साफ करना नेक्स्ट है बच्चों right. right राइट राइट मीन्स होता है लिखना जैसे कि बच्ची चित्र में लिख रही है नेक्स्ट है बच्चों सोल्व सोल्व मीन्स होता है हल करना जैसे कि लड़की पहेली को हल कर रही है नेक्स्ट है बच्चों रन रन मींस होता है दौड़ना जैसे गर्ल चित्र में दौड़ रही है लेट्स सी क्वेश्चन नंबर टू पुट राइट फॉर द राइट स्टेटमेंट एंड रॉन्ग फॉर द रोंग स्टेटमेंट सो लेट्स सी द टॉयज आर इन द बॉक्स और द टॉयज आर ऑन द बॉक्स खिलौना बॉक्स के अंदर है या खिलौना बॉक्स के ऊपर है तो विच वन इज राइट फर्स्ट बिकॉज द टॉयज आर इन द बॉक्स खिलौना बॉक्स के अंदर है नेक्स्ट इज दे आर इज ए वेस्ट अबव द टेबल दिस इज रोंग देयर इज ए वेस्ट ऑन द टेबल टेबल के ऊपर फूलदान है इट इज़ राइट नेक्स्ट इज द किटेन इज बिसाइड द बेड बिल्ली का जो बच्चा है वो बेड के पास है सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज द किटन इज अंडर द बेड क्योंकि बिल्ली का बच्चा बेड के नीचे है सो इट इज राइट लेट्स नेक्स्ट द बी इज बिटवीन टू फ्लार्स मक्खी दो फूलों के बीच में है यू कैन सी हेयर सो इट इज राइट द बी इज इन द फ्लावर्स इट इज रॉन्ग नेक्स्ट इज द एरोप्लेन इज अबव द हाउस येस यू कैन सी हेयर सो इट इज़ राइट द एरोप्लेन इज इन द हाउस इट इज़ रॉन्ग बिकॉज एरोप्लेन इज नॉट इन द हाउस एरोप्लेन घर में नहीं है नेक्स्ट इज द आंट इज़ फार फ्रॉम द लीफ ची टी पत्ती से दूर है द आंट इज़ नियर द लीफ ची टी पत्ती के पास है सो इट इज राइट बिकॉज चीटी पत्ती के पास है so लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थ्री रीड एंड डू पढ़ो और करो नाउन नाउन मीन्स होती है संज्ञा नाउन्स आर वर्ड्स संज्ञा वे शब्द हैं दैट आर यूज टू नेम एन एनिमल पर्सन आइडिया प्लेस और थिंग किसी भी जानवर का व्यक्ति का कोई भी विचार स्थान का नाम और वस्तु ये सभी संज्ञाएं होती हैं एग्जाम्पल देखिए उदाहरण है कैमरा एफिल टावर sheep apple these all are nouns let's see color the boxes of the table with red for person blue color for thing green color for place yellow for animals let's see table अब टेबल में हमें बच्चों जो व्यक्तियों के नाम हैं उन्हें लाल रंग से भरना है जो वस्तुएं हैं उस कॉलम को नीले कलर से जो स्थान के नाम हैं उन्हें हरे रंग से और जो एनिमल्स हैं जानवर हैं उन्हें पीले रंग से फर्स्ट इज पर्सन लेडी किंग गर्ल एंड बेबी दीज ऑल आर पर्सन इसीलिए हमने इन्हें रेड कलर से भरा है नेक्स्ट है बच्चों थिंग्स अब कौन कौन सी थिंग्स हैं बॉल ऑरेंज बोट पेन ट्री ब्रांच कप पेन चेयर एंड फ्लार पॉकेट ये सभी थिंग्स हैं इसीलिए हमने इन्हें ब्लू रंग से किया है नेक्स्ट है प्लेस प्लेस कौन कौन से हैं फारम पौंड एंड डैन गुफा ये सभी स्थानों के नाम हैं नेक्स्ट है, Next है एनिमल्स एनिमल्स को हमें येलो कलर से फिल करना है क्रोमिसकोआ कैट बी हॉर्स मंकी एंड बियर दीज ऑल आर एनिमल्स सो वी हैव कलर्ड विद येलो कलर नेक्स्ट इज क्वेश्चन फोर राइट फाइव लाइन्स ऑन द गिवन पिक्चर नीचे दी गई पिक्चर को देखकर उस पर हमें पांच लाइनें लिखनी है यू कैन यूज द फॉलोइंग वर्ड्स नीचे दिए गए शब्दों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं ब्राइट चमकीला सनी डे सुनहरा दिन प्रैटी फ्लार्स सुंदर फूल ग्रीन ट्रीज हरे पेड़ स्विंग्स झूलना बेंचेज बेंच बैठने की बेंचें चिल्ड्रन प्लेइंग बच्चे खेल रहे हैं पीपल लोग स्लाइड्स फिसलना इट इज ए ब्राइट सनी डे यह एक चमकीला सुनहरा दिन है द चिल्ड्रन आर स्विंगिंग इन पार्क बच्चे पार्क में झूल रहे हैं देर आर पैटी फ्लार्स इन द पार्क पार्क में सुंदर फूल हैं सम पीपल आर सिटिंग ऑन बेंच कुछ लोग बेंच पर बैठे हैं देर आर ग्रीन ट्रीज इन द पार्क पार्क में हरे पेड़ पौधे हैं लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फाइव रीड एंड आंसर पढ़ो और उत्तर दो लाइब्रेरी लाइब्रेरी मीन्स होता है बच्चों पुस्तकालय आई हैव अ ब्रदर मेरे एक भाई है हिज नेम इज़ अमन उसका नाम अमन है वी लाइक टू रीड बुक्स हमें किताबें पढ़ना पसंद है वी रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी हम पुस्तकालय में किताबें पढ़ते हैं सो लेट्स सी क्वेश्चन आई हैव ए ब्रदर एंड हिज नेम इज़ अमन नेक्स्ट इज वी लाइक टू रीड बुक्स हमें किताबें पढ़ना पसंद है नेक्स्ट इज वी रीड बुक्स इन द कहा पर हम कहा पर किताबें पढ़ते हैं लाइब्रेरी वी रीड बुक्स इन द लाइब्रेरी हम पुस्तकालय में किताबें पढ़ते हैं लेट सी क्वेश्चन नंबर सिक्स फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम आर हमें इज एम आर का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए स्थानों को भरना है एम इज यूज विद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई एम का प्रयोग एक वचन आई के साथ किया जाता है इज 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 यूज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी रामू मनीषा इसका प्रयोग थर्ड पर्सन एक वचन के साथ किया जाता है जैसे कि ही सी और किसी का भी नाम नेक्स्ट है आर इज यूज विद थर्ड पर्सन प्लूरल आर का प्रयोग थर्ड पर्सन बहुवचन के साथ किया जाता है जैसे कि दे इंडियंस डॉक्टर्स फर्स्ट इज अनिल स्विमिंग इन द पूल। अनिल इज वन सो वी विल फिल इज अनिल पूल में तैर रहा है द स्कूल बेल इज रिंगिंग स्कूल की घंटी बज रही है आई एम मिट्ठू मैं मिट्ठू हूँ सिप्स आर सेलिंग इन द सी जहाज पानी में जा रहे हैं आई एम नॉट ए रेबिट मैं एक खरगोश नहीं हूँ बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं वी आर हैप्पी हम खुश हैं प्रिया एंड कुसुम आर फ्रेंड्स प्रिया और कुसुम मित्र हैं ही इज गोइंग टू द मार्केट वह बाजार जा रहा है आई एम सेवन ईयर्स ओल्ड मैं सात वर्ष का हूं मैं सात वर्ष की हूं या मैं सात वर्ष का हूँ स्टूडेंट्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर And if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.